अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक दफा फिर हम हुंजा वैली जा रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इनवाइट किया है। यमुना किधर जा रही हो? आज सुबह से हम मकई की कटाई कर रहे थे। अरजान को ये वाला भुट्टा बहुत ही अच्छा लगा, अब तक अपने हाथ में लेके बैठा है। किसके पास जाएंगे हुंजा वैली में? पहली दफा हम फैमिली के साथ ना हुंजा वैली की किसी फैमिली के घर जा रहे हैं। चलो, हमें टाइम पे गाड़ी मिली और ज्यादा वेट हमें करना नहीं पड़ा रोड के ऊपर। अरजान कितना खुश है, देखें। अरजान बड़ा खुश है हुंजा वैली आके। जब जब हम हुंजा वैली आते हैं एक अलग सी फीलिंग होती है, पता नहीं यार क्या लॉजिक है इसके पीछे। सिर्फ हमारी बात नहीं, हमारे बच्चों की पूरी फैमिली की बात है। अरजान, अरजान आज हुंजा वैली आया है। क्या हुआ, क्या हुआ? आज आपको सर्दी क्यों लग रही है इतनी ज्यादा? अंजुम का मूड कुछ ठीक नहीं है आज, कोई रीजन? भूख लगी है। दोपहर को हमने ना खाना नहीं खाया, एक एक कप चाय पी ली थी, हमें काफी देर हो गई थी। जल्दी जल्दी में एक कप चाय पी ली और सीधे हम निकले हुंजा वैली के लिए। अलजान ये देखो, भूख लगी। भूख आपको भी लगी है कि सुबह से ना हम अपनी मकई की कटाई में लगे थे, हमें काफी जल्दी थी। रात का टाइम है, अभी हम पैदल निकले हैं वाजिद साहब के घर और काफ़ी सर्दी है यहाँ। और गणेश विलेज के आसपास की रौनक भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अंजुम चलो, यमुना चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। वाह जी वाह, काफ़ी अच्छा घर है वाजिद साहब का। क्या बात है गाइस, इट्स अमेजिंग, कितना खूबसूरत घर सजाया है वाजिद साहब ने। ये रहे वाजिद भाई जो कि हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। बड़ी खुशी हो रही है वाजिद भाई, पहली दफा आपके घर आके। तो वाजिद भाई ये जो कुशन्स हैं ये भाभी खुद बनाती है? जी जी खुद बनाती है, ये यूट्यूब पे वो निकालती है, उससे फिर इधर यहाँ पे निकालती है। ये देखें, ये कमरे के चारों तरफ जो कुशन्स लगे हैं ना, इतने खूबसूरत। ये जो काम आप जिस महारत से करती हैं, कहाँ से ये सीखा है आपने? ये सर इसकी अपनी चाची से सीखा, बेसिक जो एम्ब्रॉयडरी है, बाकी ये जो डिजाइन जो है ना, आजकल नए जो डिजाइन आते हैं वो यूट्यूब से खुद। अच्छा, आप यूट्यूब देखती हो? ये जहरा बाबी हमारी ना सब्सक्राइबर है, बहुत पुरानी, तकरीबन 3-3.5 साल से हमारी वीडियोस देखती है। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है? अच्छा, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इस बात से कि ये जितने भी ये बनाती है ना कुशन्स, डिजाइंस, ये सारा यूट्यूब से देख के इन्होंने सीखा है। यूट्यूब से आइडिया लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करके ये इस तरह के मुख्तलिफ कुशन्स बना के अपने पूरे घर को इन्होंने डेकोरेट किया है। अरजान यहाँ आके इतना खुश है, इस कमरे में उछलता है, कूदता है। एक अलग सी एक्साइटमेंट बच्चों को मिलती है जब हम आते हैं हुंजा वैली में। है? क्या हुआ? ये डेकोरेशन देख के ना अरजान बहुत खुश है। अभी हम ऊपर वाले पोर्शन में रूम में थे, अभी सीढ़ियों से नीचे आए हैं और ये सामने ट्रेडिशनल जो घर है। क्या बात है गाइस, ये देखे सबसे पुराना जो कमरा है, दादे का वो। अच्छा ये देखें आप छत से, आप अंदाजा करें कि ये बहुत पुराना है। मेरे ख्याल में ये 100-150 साल पहले का होगा ना, वो 100 साल तकरीबन होगा। और इतना गर्म है ये, अभी अंदाजा हो रहा है मुझे ऊपर कमरे से यहाँ आके। अच्छा ये बैठे हैं आपके? जी जी, ये क्या नाम है इनका? बैठा है माजिद अली। कौन सी क्लास में हो? बी कॉम फाइनल में। हुंजा वैली में ना एजुकेशन का बहुत ज्यादा रुझान है,
यहाँ लड़के लड़कियाँ सब में एजुकेशन कॉमन है। जिस घर में बेटी है बेटा है इक्वली यहाँ लोग इम्पोर्टेंस देंगे, खुसूसन एजुकेशन के फील्ड में। वाजिद भाई के दो बच्चियाँ हैं, एक बेटा है, इनकी एक बेटी एमबीए कर रही है, छोटी सर एफएससी कर रही है। बहरहाल ये पुराना घर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक ना नेचुरल सी वाइब मुझे फील हो गई यहाँ इस ट्रेडिशनल घर में आके। ये रिफात वाजिद साहब की छोटी बेटी है। ये खाने आपने कहाँ से सीखे, इतने मजेदार खाने आज बनाए आपने? मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं कुकिंग करूँ, मैं केक्स बहुत अच्छी बेक करती हूँ। अच्छा, कहीं आपने प्रॉपर कहीं से ट्रेनिंग ली है खाने बनाने में? नहीं। वो जो सलाद आपने बनाया था ना, वो तो आउट क्लास था। थैंक यू। वो कहाँ से सीखा सलाद बनाना? वो भी मैंने खुद सीखा था इंटरनेट से देख के। वाजिद भाई के जो फैमिली मेंबर्स थे ना, सबसे मैंने बात की, वाजिद भाई से, भाभी से, इनके बेटे से, रिफत से। एक इनकी बड़ी बेटी है मारिया, तो ये सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती है। ग्रुप की है। सही। तो बहरहाल ये सोशल मीडिया को अच्छा नहीं समझती, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। लेकिन अच्छा था अगर ये भी आके कुछ शेयर करती। ये एमबीए कर रही है यूनिवर्सिटी से। एक नया एक्सपीरियंस हमें मिला एक हुंजा वैली में, एक नई फैमिली से मिल के, इनके साथ बैठ के, इनके साथ खाने खा के।